हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो फिलहाल हमें 2800 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 1000 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों हमें 1000 का स्टॉक हमें फिलहाल हमें 2800 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैकपॉट है, जिसकी वजह से अभी तक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 6% से एवब का काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा शो किया। दोस्तों बात करें पिछले 1 मंथ के इसका प्राइस का ग्राफ का तो यहाँ पे 14% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 6 मंथ का अगर इसका प्राइस का ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली 8% के आसपास का मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार तरीके से गिरावट शो किया था जो कि वहाँ पर भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था। दोस्तों इस स्टॉक में अगर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है तो हमें खरीदारी करना चाहिए और देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से फिर से हमें इसमें रैली देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 2500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने ओनली 30% के अप्रोक्स में मुनाफा दिया है जो कि ये भी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करें पिछले 5 ईयर का तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने 120% के अप्रोक्स में हमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा दिया है। दोस्तों सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस की ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने में देख सकते हो कितना अच्छा खासा हमें यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे हमें इस स्टॉक में पिछले ट्रेडिंग सेशन में रैली देखने को मिला है, वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आगे भी इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा जिसके वजह से इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 6% का हमें रैली देखने को मिला था, यहाँ पे खरीदारी कितना होती हुई हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के सामने में 26% से एबव का हमें काफ़ी अच्छा खासा डिलीवरी का पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का तो स्टॉक 1200+ में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल अप्रैल में, वहाँ से इस स्टॉक ने 1900+ का हाई शो किया है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का तो यहाँ पे हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें इसका क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट शो किया है। हालांकि सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा हमें गिरावट भी देखने को मिला था। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 42% से एबव का है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं हम बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे रिजर्व फंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो दोस्तों यहाँ पे हमें रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का तो यहाँ पे डेप्ट भी हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत डेप्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि डेप्ट है कंपनी के ऊपर, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि जिस तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है आगे भी इसमें हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों फिक्स एसेट का तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो यहाँ पे 1,16,000+ का फिगर है। जो कि बात करें सेक्टर के पीसीयू का तो यहाँ पे 81.27 हमें देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के पीसीयू से इस स्टॉक का पीसीयू हमें काफ़ी निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका प्राइस है दोस्तों वो भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ भी अपने आप में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें नेट प्रॉफिट का तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दोस्तों यानी कि स्टॉक हमें
अगर बात करें फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इसका रेवेन्यू ग्राफ एंड इसका प्रॉफिट ग्राफ भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स में भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उछाल शो किया था, एक्सपेंस अधिक बुक किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे जो हमें नेट प्रॉफिट का फिगर देखने को मिल रहा है वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में FII की होल्डिंग है, DII की होल्डिंग है, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो 42% से ABF का होल्डिंग हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे FII का होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और यहाँ पे DII का होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि यहाँ पे सारा का सारा बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी देखने को मिल रहा है दोस्तों। शेयर होल्डर पैटर्न भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिला है दोस्तों। बात करिए अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 1500 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 2000 के क्रॉस करके हमें 2500 के आसपास में देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।